ये आकाशवाणी है। दीप शिखा, कल आप प्रसिद्ध नाटककार रेवती शरण शर्मा के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। एक बार फिर बता दें कि दीप शिखा रेवती शरण शर्मा का लिखा एक बहुत ही चर्चित प्रयोगधर्मी नाटक है। वो मानते थे कि नाटक और जीवन में एक गहरा संबंध है। इस नाटक में भी नाटक को जीवन के और अधिक करीब लाने की सफल कोशिश की गई है। संसार एक नाटक ही तो है। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ अभिनेता और दर्शक जैसा कोई भेद नहीं होता। जो दर्शक है वो अभिनेता भी है और जो अभिनेता है वो दर्शक भी। दीप शिखा नाटक में रेवती शरण शर्मा ने इसी को मूल विषय बनाया है। इस नाटक के पात्र दर्शकों की भीड़ से निकलते हैं और अभिनय करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये नाटक दीप शिखा। आज हम आपको इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनवा रहे हैं। बकवास डायलॉग किसका है? मैं दीप शिखा नहीं, रंजना की हैसियत से पूछ रही हूँ कि मांगने का डायलॉग किसका है, तुम्हारा या लेखक साहब का? जी लेखक का। अजी लेखक साहब, उधर विंग में क्यों खड़े हैं? इधर स्टेज पर आइए। क्या हुआ रंजना जी? आप कौन सी सदी का डायलॉग लिखते हैं? लड़के से इलेक्शन जितवाते हैं और लड़की से भीख मंगवाते हैं? ये बात नहीं, मैंने तो यह सीन को रोमांटिक बनाने के लिए लिखा है। अपने जमाने के हिसाब से जब लड़की इश्क में बोलती कम थी, हकलाती ज्यादा थी, और आशिक दुवन्नी का रुमाल देता था तो उसे दुनिया की न्यामत समझकर संजोए रखती थी। मिस्टर, आज का आशिक 5-स्टार होटल में नहीं ले जाएगा तो प्याऊ पर जाकर अपने मुंह पर से अपने राइवल की कार की धूल धोएगा। तुम बेचारों का क्या कसूर? बात इन एस्टैब्लिश राइटर्स की राइटिंग की है, जिसका सीढ़ीपन देखकर जी चाहता है इन्हें इश्क रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए ताकि इनकी राइटिंग में कुछ ताजगी आए। कान खोल कर सुनिए, ये दकियानुसी रोमांटिक सीन और आगे नहीं चलेगा। गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा मंगवाऊं? अरे मेरा नहीं, हॉल में बैठे इन दर्शकों का ख्याल कीजिए, इन लोगों को निजात दिलाइए जो आपके चूहेदान में फंस गए हैं। मेरे ख्याल में ड्रामा तो अच्छा खासा हो रहा है। मैंने खराब कब बताया, मैं वक्त की बात सोच रही हूँ। ठीक फरमाया आपने। हाँ तो लेखक साहब बताइए आगे क्या हुआ। देखिए ईद आई है जी, दीप शिखा और रश्मि एक बाल जैदी को ईद मुबारक कहने के लिए उसके घर की तरफ रवाना होती हैं। रास्ते में ही घबराया हुआ एक बाल जैदी मिल जाता है। दीप जी, रश्मि जी, आप मेरे यहाँ जा रहे थे? जी हाँ। तो लौट जाइए। क्यों? शहर में दंगा हो गया। अभी अभी? जी हाँ, कुछ लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, उन पर रन कर गया। क्या मारा काटी भी हुई? जी हाँ, बाजार में काफी झगड़ा हो गया है, लेकिन पुलिस के आ जाने से। खुशी के दिन लोगों को ना जाने ये क्या हो जाता है। जब तक एक दूसरे की खुशी को अपनी नहीं मानेंगे यही होगा। अपनी नहीं मानते तो उदासीन रहो, अलग रहो। नहीं बीची, अलग रहना इंसान की फितरत में नहीं है। जब तक अलग रहेगा जलता रहेगा, नफरत करता रहेगा। इस अलग रहने की आदत को खत्म करना ही होगा। कैसे? एक दूसरे की किस्मत में शरीक होगा, एक दूसरे की खुशी से गम से रिश्ता कायम करके। ये नहीं होगा, क्योंकि हम अपने साथ मजहब कल्चर और हिस्ट्री के भूत भी फिरते हैं। हाँ, हमारा वो बहुत कुछ जो हम इकट्ठा मानते और महसूस करते हैं एक नहीं है। इसीलिए अकेले एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, इकट्ठे नहीं। मैं नहीं मानती, मैं उस नफरत और विवाद की उत्तराधिकारी नहीं बनूंगी जो मेरी मोहब्बत और मेरे विवेक से नहीं निकला है। तुम हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते। मैं इग्नोर कर सकती हूँ, रिजेक्ट कर सकती हूँ, लोगों ने किया है। क्या इंसान की किस्मत यही नहीं कि वो हिस्ट्री का गुलाम रहे? उसने हिस्ट्री को बनाया भी है। बाप ने जिससे नफरत की, जरूरी नहीं बेटे ने भी की हो। कौमें, फिरके और मुल्क एक दूसरे से लड़े ही नहीं, मिले भी हैं। उनके रिश्ते सदा एक से नहीं रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ भी क्या कुछ हुआ है, हम में से कितने जानते हैं। हमने हिस्ट्री का इस्तेमाल नफरत के सांचे और नारे इकट्ठे करने के लिए किया है। जानते हैं कभी कभी क्या जी चाहता है, हिस्ट्री और मजहब की जिस बकवास जिन में मैं बन गया हूँ, उसके सारे पन्ने फाड़ कर उसका पहला सफा बन जाऊँ। ड्रामे के लेखक ने क्या खूबसूरत फिक्रा लिखा है। बहुत सही बात लिखी है। ओहो, क्या मुसीबत है, ड्रामा छोड़कर आप ड्रामे के डायलॉग की खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट पे करने लगे। हाँ ये लेखक साहब,
आपने प्रॉब्लम को बिल्कुल नए ढंग से पेश किया है। रश्मि जी, मुझे यकीन है हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यह हल हो सकती है। बस उसके लिए लीक से एकदम हटकर सोचना होगा, बहुत सी चीजों को छोड़ना होगा। हम छोड़ सकेंगे? मैं नाउमीद नहीं हूँ। यकीन रखिए, आप नाउमीद नहीं होंगे। तो ड्रामा चलाइए, बाजार के कोने वाला यह सीन जारी रहेगा। हाँ तो इकबाल साहब, आप त्योहारों को मानते हैं? नहीं। और रश्मि जी आप? कोई नेशन भी अपने त्योहारों को नहीं छोड़ सकती, लेकिन त्योहारों पर झगड़े होते हैं, यही उन डिफरेंसेस को उभारते हैं जो दो मजहबों के बीच होते हैं, लेकिन महज इसलिए त्योहार मनाने नहीं छोड़े जा सकते। आज जो झगड़ा हुआ है जानते क्यों हुआ है? हमारे यहाँ रंग डलवाना नापाक माना जाता है। क्यों? होली हमारा त्योहार नहीं है, हम महज अपनी चीजों के आदि होते हैं। लेकिन जो बुरा नहीं है, क्या बुरा है और क्या अच्छा है, यही तो फैसला नहीं हो पाया है। ये मजहब, ये धर्म इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ओ, तो आप मजहब के इसलिए कायल नहीं है? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि जिन चीजों को लेकर हम लड़ते हैं, एक दूसरे के गले काटते हैं, वो अक्सर कुछ नहीं होती, बस आदतें होती हैं, चिर होती है, जिद होती है। पर कुछ त्योहार तो ऐसे होते हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं। मसलन शब बारात, दिवाली। हमारी जमींदारी में हिंदू शब बारात की रात मुसलमानों को कोसा करते थे, क्योंकि जलते अनार उनके घरों पर गिरकर आग लगा दिया करते थे। मैं बच्चा था तो दिवाली के दिन हिंदुओं के दिए बुझाता और चुराता फिरता था, क्योंकि किसी ने समझा दिया था कि जितने दिए बुझाओगे उतना सवाब पाओगे। तो बचपन में आप सवाब यूं लूटा करते थे? जी हाँ, तब नहीं जान पाया था कि रोशनी कम करने से अंधेरा ही बढ़ता है। लेकिन आपकी आदत तो अब भी वही है, दिया चुराया या दीपशिखा चुराई, बात एक ही है। इस फिक्र के लिए ड्रामे के लेखक को दाद देनी चाहिए। जी हाँ, इस दाद के लिए शुक्रिया। ड्रामा आगे बढ़ाइए। आगे क्या है? दो सीन, उनमें आप और इकबाल एक दूसरे को खत लिखते हैं। यानी रोमांस भी कराएंगे? क्या करूं, लोग पसंद करते हैं तो कराइए। पहले खत कौन लिखता है? इकबाल। इकबाल साहब, चल जाए एक दौर शायरी का भी। मेरी जागती आंखों के ख्वाब अब जागते हुए चीजें नहीं, सपने देखता हूं। दुनिया के ब्लैक बोर्ड पर से लिखे को जाने कौन मिटा गया है और उस पर तुम्हारी तस्वीर बना गया है। को मजहब अलग अलग है, फर्क कुछ भी नहीं, मगर इतना है कि उसे सदियां भी नहीं मिटा पाई। लेकिन मैं सदियों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल और बहुत आसान है, और मैं इस आसान को मुश्किल नहीं बनने दूंगा। दीप, तुम जो मेरी मोहब्बत के आसमान का पहला तारा हो, मेरी आरजू का आखिरी आसमान हो, इस खत का जवाब दोगी? मैं तुम्हारी तरह शायरी नहीं कर सकती, एक बात कह सकती हूँ, तुम ही ने मुझे नहीं, मैंने भी तुम्हें चाहा है। मेरे और तुम में बस इतना अंतर है तुम कह सके, मैं कह न पाई। तुमने मुझे अपनी आरजू का आखिरी आसमान कहा, मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना कहूंगी, तुम मेरे हो। तुमने शुबा जाहिर किया कि मैं जवाब दूंगी कि नहीं, जवाब नहीं दूंगी तो क्या वो धरती बन जाऊंगी जो अपनी छाती में ज्वाला लिए घूमती रहती है पर अपने सूरज से एक बार जाकर नहीं कहती तेरी हूं, तो अपने से दूर क्यों रखा है? एक बार मैं तुम्हें चाहती हूं। दीप, अगले हफ्ते हमारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारी कॉलेज की जिंदगी भी। मालूम है, मुझे यकीन है अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा और नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इसके बाद का यकीन दिला सकोगी? इसका जवाब देने से पहले कुछ बातें जानना चाहूंगी। पूछो। जब हम ये बातें जाहिर करेंगे तूफान उठेगा। मुझे मालूम है।
हमारे घर वाले इनकार ही नहीं करेंगे, हर तरह से हमें अपना इरादा छोड़ने पर मजबूर भी करेंगे। जानता हूं। वो मानेंगे भी तो अपनी शर्तों पर। दीप, हमारी जिंदगी पर सिर्फ हमारी शर्तें लागू होगी। धर्म के बारे में नहीं दीप, मैंने जिस दीप शिखा को चाहा है उसकी तोड़ी या बिगाड़ी हुई सूरत को अपनाना नहीं चाहूंगा। हम वही रहेंगे जो हम हैं। हम वो रहेंगे जो हमें होना चाहिए, दो बराबर के इंसान। हो सकता है इसके लिए मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़े, और हो सकता है तुम्हें भी उस इकबाल को अपनाना पड़े जिसके पास सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के और अपनी मेहनत के और कुछ ना हो। मुझे कबूल होगा। दीप, तुमने बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से हटा दिया है, लेकिन हम दुनिया की मुखालफत से बचने के लिए चुपचाप भी शादी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगी। मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हारे नाम पर मेरा सर ऊंचा उठना चाहिए, मुझे अंधेरे कोनों की तलाश नहीं होनी चाहिए। दीप, रोशनी की लौ को ही तो दीप शिखा कहते हैं ना। दीप, मैं भी जो करना चाहूंगा उसे दिन के उजाले में करूंगा। हमारी शादी कुछ बातों से खुला इनकार और कुछ से खुला इकरार होगी। मुझसे कुछ और पूछना चाहोगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पिताजी से कब मिलूं? उनसे तुम्हें ना मिलना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे। तुम उनसे खुद बात करोगी? हाँ, मगर पहले खत लेकर सब कुछ बता दूंगी। तो तुमने इसलिए अपनी कसम खिलाई थी? हाँ। और तुम समझते हो कि मैं समझती हूँ कि मैं मंजूर कर लूंगा? तो कृष्णा, जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब अंगारे को उठाकर फेंकने के लिए हाथ में लेना पड़ता है, हमें उसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। और कहोगे कुछ नहीं? पहले तुमसे कहूंगा, तुम कुछ न कहोगी। क्या? सौतेली माँ के हाथ में अमृत भी जहर हो जाता है, तुम मुझे समझाने दोगी? लेकिन बताई देती हूँ तुम उसको। हाँ, उसने खत मुझे नहीं, मेरी इज्जत आबरू मेरे नामो नामूस को लिखा है। अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसे बुला लूं? बुला लो। दीप शिखा। जी पिताजी। हमने तुम्हारा खत पढ़ लिया है, तुम अभी कुछ बात करना चाहोगी? जी हाँ। इकबाल जैदी के बारे में तुमने जो लिखा है मैंने पढ़ लिया है, मैं उसके वालिद को भी जानता हूँ। मैंने गलत तो नहीं लिखा? मुझे इकबाल के बारे में कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुसलमान से शादी करना क्यों जरूरी है। मैं इकबाल से इसलिए शादी नहीं कर रही कि वो मुसलमान है। तब? इसलिए कि वो एक अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान हिंदुओं में नहीं मिलते? मिल सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छे इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं ठुकराऊंगी कि वो मुसलमान है। क्या? मुसलमान होते हुए अगर इकबाल अच्छे इंसान है तो उनका मुसलमान होना बेमानी है। मेरे लिए बेमानी नहीं है। क्या? मैं इकबाल को पसंद करते हुए याद रखूंगा कि एक मुसलमान है। पूछ सकती हूँ किस लिए? इसलिए कि वो एक अलग धर्म, एक अलग संस्कृति, एक अलग इतिहास का हिस्सा है। इकबाल इस सब में यकीन नहीं रखते, वो सबसे इनकार करते हैं जिसने हिंदू और मुसलमान को अलग कर रखा है। फिर वो मुसलमान क्यों है? क्या आप धर्म बदलवाना चाहेंगे? अगर वो उस सबको गलत समझता है? मैं भी समझती हूँ। क्या मतलब? हिंदू धर्म ने अछूतों के साथ जो कुछ किया है वो दूसरी बात है। एक इंसान को मारना या दबा के रखना एक बात है। तुम बेकार की बात कर रही हो। ये बेकार बात नहीं, आप एक इंसान को उसकी कौम के सारे गुनाहों का जिम्मेदार नहीं बना सकते। ऐसा करते हैं तो फिर हमें भी अपनी कौम के गुनाह देखने होंगे, उनका जिम्मेदार बनना होगा। लेकिन यहाँ सवाल जिम्मेदारी का नहीं, उलझनों का है। उलझने हर शादी में होती है। ऐसी नहीं, ये एक अलग धर्म, अलग कल्चर, अलग रीति रिवाज का सवाल है। ये शादी इसी का जवाब है। आज जो अलग अलग है फिर नहीं रहेगा, या तो दोनों का हो जाएगा या किसी का न रही। तुम बच्चों जैसी बातें कर रही। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिंदगी, मौत, शादी विवाह, तीज त्योहार, इनमें हम अपने को महज हिंदू या मुसलमान साबित नहीं करेंगे। तू अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बनाएगी? नहीं, उनके नाम मुसलमान ही नहीं रखेगी? नहीं, ये नामुमकिन है। क्योंकि आप सोचते हैं मैं उन्हें हिंदू बनाऊंगी। पिताजी, मैं उन्हें नाम, संस्कार, शिक्षा ऐसी दूंगी कि वो अपने को ना हिंदू ना मुसलमान महसूस करेंगे। वो बिना धर्म के रहेंगे? आज इसकी जरूरत नहीं। क्या? आज इंसान को जीने के लिए उस धर्म की जरूरत है जो उसे आजादी, इज्जत और जिंदगी की नेमतों में बराबर का हक दिलाता है। तुम्हारा सर फिर गया है। ये ठीक कह रही है। क्या?
आज इंसान को पूजा का नहीं जीने का हक चाहिए, जीने का। किट्टी जी, आपने ये क्या डायलॉग बोल दिया, ये आपका रोल नहीं है। मैं माँ नहीं अब किट्टी हूँ, एक पढ़ी लिखी लड़की की हैसियत से मेरा असली रोल यही है। ये किस सदी की बात करते हैं आप, आज मेरा आपका इनका जकार्ता से लेकर काहिरा तक का कल्चर क्या है। सबको नए से नए ढंग की कोठियाँ, कारें, कारखाने और कॉलेज चाहिए। पुराने धार्मिक कल्चर में कोई जीना नहीं चाहता। तुम इसे कल्चर कहती हो? हाँ, इंसान जिन कपड़ों, जिन घरों, जिन हालात में रहता है उसकी कल्चर उन्हीं से निकलती है। आज दुनिया भर की कल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी से निकल रही है। ओहो, ये कैसी बहस शुरू कर दी। किटी जी, आप मुझे ड्रामा चलाने देगी कि नहीं? किटी, मैं इनसे अकेली भुगत लूंगी, तुम अब फिर से माँ बन जाओ। लेखक साहब, आप जाइए उधर विंग में। हाँ तो डैड, आखिर आप मुसलमान को कबूल क्यों नहीं कर सकते? उसके और मेरे बीच हिस्ट्री है, इतिहास है। मुल्क जीतने, मजहब बदलने और औरतें। हाँ डैड, जिसे आप हिंदू मुसलमान की हिस्ट्री कहते हैं वो दरअसल इंसान की हिस्ट्री है। इंसान जो आज भी अपना और पराया देखे बगैर जुल्म करता है। हमें इंसान की इंसानियत देखनी होगी। मैं इकबाल की इंसानियत देखूं? उसने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है। उसने एक हिंदू लड़की को बहकाया है। जैसे रहीम और रसखान ने हिंदी को बहकाया, अलाउद्दीन खां और बड़े गुलाम अली खान ने हिंदुस्तानी संगीत को बहकाया। पिताजी, जो अपने धर्म में रहकर दूसरे के धर्म की चीजों को चाहते हैं वही सबसे बड़ा धर्म रखते हैं। ये किताबी बात। सच किताब ही में होता है। हमें जब भी अपने से ऊपर उठकर असलियत देखने की जरूरत होगी किताब का सहारा लेना होगा। लेकिन इंसान किताब की तरह नहीं जी सकता। क्या? इंसान किताब की तरह जी नहीं सकता। फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मैं जाती हूँ। ओहो, आप कहाँ जा रही हैं? आपका एग्जिट अभी नहीं है। जो आदमी किताब की तरह जीने से इनकार करता है मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। आप जरा ठहरिए रंजना जी, आप अपना डायलॉग वापस ले लीजिए मिस्टर। क्यों? आप बहुत गलत बात कह गए। जिस दिन इंसान किताब से रिश्ता काट लेगा जाहिल जंगली और जानवर बन जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी बेटी। तब आप चाहिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? आपका रोल खत्म, मेरा शुरू। जी हाँ, अब अगला सीन इकबाल के घर का ही है। इकबाल इम्तिहान में पास हो गया है। वो अपने अब्बा मियाँ को शादी के बारे में अपने फैसले की इत्तला देता है। अब्बा जान, भाई जान आ गए। आदाब अब्बा जान। खुश रहो। आदाब अब्बा जान। जीते रहो। कामरानी कदम चूमे, हमें आप पर फख्र है। मुझे आपसे कुछ अर्ज करना है। इसी वक्त? जी हाँ। तुम्हारी वालिदा? मैं आपसे तखलीए में बात करना चाहूंगा। बेगम, आप अंदर जाकर शीरीनी का इंतजाम कराएं, हम अभी आते हैं। अच्छा, आओ बेटी, बैठिए। हाँ तो इकबाल मियाँ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम? अब्बा जान, मैं शादी करना चाहता हूँ। वाह इकबाल मियाँ, हम तो समझे आप कोई ऐसी फरमाइश करेंगे कि हमें अपनी कमाएगी का एहसास होगा। ये कुछ इससे भी ज्यादा है अब्बा जान। आप बताएं। मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो हिंदू लड़की है। क्या कहा? तुम हिंदू लड़की से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। शायद तुम्हें आजकल के सियासी हालात का पता नहीं, इस बात पर कितना हंगामा उठ सकता है। हम इस हंगामे में किसी को शरीक नहीं करेंगे। वो लड़की कौन है? दीपशिखा। शिव नारायण जी की साहबजादी? आपको क्या हुआ इकबाल मियाँ? मैं आपको ताकीद करूंगा कि इस ख्याल से बाज रहें। अब्बा जान, हम आखिरी फैसला कर चुके हैं। और शिव नारायण जी? उनका फैसला उनका होगा, दीप का नहीं। इस सिलसिले में मुझसे क्या मदद चाहेंगे? महज दुआ, हम कोर्ट में शादी करें। इकबाल, कोर्ट में शादी वो करते हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता, जिनका मजहब ऐसी शादी की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब भी ऐसी शादी की इजाजत नहीं देता। कौन कहता है? हमारे मजहब में शादी हो सकती है अगर लड़की। अब्बा जान, दीपशिखा दीपशिखा रहते हुए भी मुझसे शादी करेगी। लेकिन मुझे कोर्ट में शादी पर एतराज है। शादी एक पाक रस्म है, उस पर मजहब की मुहर लगाना लाजिम है। आप इस पर इसरार करते हैं? ये नागुजीर है। तब लगवा दूंगा। कैसे? हिंदू रीति से शादी करते। इकबाल! अब्बा हजूर, हिंदू धर्म भी तो एक मजहब है। लेकिन मैंने तुम्हें मजहब बदलने को कब कहा? दीप को तो कहा है। हाँ, क्योंकि शादी में लड़की का मजहब बदलता है। शादी में लड़की का मजहब बदलता है? हाँ। यानी अगर हमारी शब्बो? क्या? अपना दूसरा रुख देखिए अब्बा जान। अब्बा जान, मुझे एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई। शब्बो! मैं आपसे अर्ज करती हूँ उसे शादी की इजाजत दीजिए। ये तुम क्या बक रही हो?
अपनी बेटी के सवाल का जवाब दीजिए। मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। क्या? मेरी बेटी इश्क करेगी तो उसकी गर्दन काट दूंगा। बेटे की नहीं काटी। क्या? बेटे ने इश्क किया, वो सही सलामत है। बेटी आबरू होती है। जिसे दुल्हन के कपड़े पहनाकर दूसरे के पलंग तक। बकवास बंद करो। तो जवाब दीजिए, आपकी बेटी शब्बो गैर मजहब में शादी करना चाहती है, उसका मजहब बदलेगा? नहीं। भाईजान आपका मसला आसान, अब्बा मियां आप शादी में लड़की का मजहब बदलने के कायल नहीं है। अब्बा जान आपने देखा अपनी बेटी की बात आने पर आपका जवाब क्या होगा? आप शादी कर सकते हैं इकबाल मियां, लेकिन अब्बा मियां मैं दीपशिखा से ही शादी नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन और बेटी की शादी भी कर रहा हूं। क्या? जानते हैं मुलों ने क्या किया था, बेटियां ली थी दी नहीं थी, इसलिए मोहब्बत और मेल मिलाप का वो मकसद हासिल नहीं हो सका जिसके लिए अकबर ने दीन इलाही चलाया था। मैं किसी मजहब से उसकी बेटी लूंगा तो बड़ी खुशी से अपनी बहन और बेटी देने का कलेजा भी रखूंगा। तुम ला मजहब हो गए। ला मजहब नहीं, दोहरे ईमान वाला। जिस दिन दीपशिखा से शादी कर लूंगा मेरे घर में दो मजहब बराबर का दर्जा पाएंगे। लेकिन मजहब यूं जिंदा नहीं रह सकते। तो एक दूसरे का गला काट कर एक दूसरे की शह रक्त खून चूसकर जिंदा रहते हैं तब मैं उनका जीना नहीं चाहूंगा। तब मेरा भी फैसला सुन लो, मुझ में वो ताकत तो नहीं जो बेटे का कत्ल करते वक्त हजरत इब्राहिम के हाथों में थी, लेकिन जिस घड़ी तुम ये गैर मजहबी फैल करोगे मैं अपने सीने में खंजर उतार चुका हूँगा। सुपर अबू बेमिसाल, आपके बापों का जवाब नहीं। अरे रे रे रंजना जी, आप इस सीन में कैसे कूद पड़ी? आपने अब्बा मियाँ से जो डायलॉग कहलवाए उस पर वाह वाह करने, बाप को क्या शहीद आजम बनाया है। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। शुक्र मनाइए उछल कर बिजली का तार नहीं छू रही, ब्लेड से अपनी रग नहीं काट रही। ओफो रंजना, तू खामखा अपना भेजा क्यों खपा रही है? किट्टी जी, अरे अरे ये क्या तारीख आप? तूने सुना किट्टी, इन्होंने इकबाल के बाप से क्या कहलवाया? अरे खालिस हिंदू और खालिस मुसलमान की सुनेगी तो अपना भेजा खो बैठेगी। जब भी धर्म और मजहब की बात आएगी खालिस हिंदू और खालिस मुसलमान को बोलना होगा। ओहो आप ये क्या बोल गए, आप दीपशिखा के पिता हैं। मुझे बोलना होगा लेखक साहब, ये धर्म और मजहब की बात है। आप लोग चुप हो जाइए, आप ड्रामा देखने आए हैं या बहस में हिस्सा लेने? हम चुप नहीं होंगे। ये धर्म की बात है, ये मजहब की बात है। धर्म और मजहब में दखल नहीं कहा जाएगा। तब मैं चाहूंगा आप लोग मेरे सवाल का जवाब दें। धर्म और मजहब क्या है? परमात्मा के आदेश, खुदा के हुक्म। आप स्टेज पर आएंगे? लेकिन ड्रामा। रंजना जी ड्रामा जिंदगी ऐसे कुछ नहीं चलेगा, हमें पहले बुनियादी सवाल तय करने होंगे। मैं आ गया। फरमाइए। बता सकेंगे कि सब धर्म और मजहब एक जैसे क्यों नहीं? जी सब धर्म और मजहब एक जैसे क्यों नहीं? उनकी जबान, उनकी तारीख, उनके कानून और उपदेश अलग अलग क्यों हैं? क्या मतलब? अगर परमात्मा बनाता तो धर्म और मजहब एक जुबान में एक जितने पुराने होते, उनके कानून कुदरत के कानून की तरह एक होते, उनमें दुनिया के बनने और इंसान के पैदा होने की कहानी एक होती। आप कहना क्या चाहते हैं? उन्हें परमात्मा खुदा या गॉड ने नहीं बनाया। तब किसने बनाया? इंसान ने। तब उन्हें आखिरी सच नहीं माना जाएगा। तब जब भी धर्म और मजहब की बिना पर इंसानों की तकदीर तय करने की बात आएगी उसका मुकाबला करना होगा। सुनिए मैं कुछ एतराफ कर सकती हूँ? बेगम साहबा आप? जी हाँ, अब तक मैंने कुछ और तरह सोचा, लेकिन अब सोचती हूँ अगर वैसा होने लगे जैसा आपने कहा तो क्या हमें नफरत की उस जलन और कुढ़न से निजात मिल जाएगी जिसने हमें बांट रखा है, एक दूसरे से गैर बना रखा है? यानी आप अपने हाथ में नई स्लेट लेंगी? जी हाँ। दीप और इकबाल शादी करेंगे तो उनके गवाह बनेंगे? बरजा ही नहीं बशौक। शुक्रिया बेगम साहबा। आज नहीं, जिस दिन अपनी बच्चियों की शादी मजहब देखे बगैर करूंगी और उस पर मजहब नहीं मुल्क के कानून की मुहर लगाना पसंद करूंगी उस दिन। तो चलिए। कहाँ? जहाँ मुझे आपको जो कहा है करना है। मैं समझी नहीं। ये तो स्टेज है, जिंदगी तो बाहर है। तो चलिए। रंजना जी आप भी तो आइए। आप एक बात भूल गए। मैं नहीं भूली। क्या? ड्रामे के खत्म होने का ऐलान। ओहो तो कर दूं? जी नहीं, ड्रामा मैंने शुरू किया, खत्म होने का ऐलान भी मैं करूंगी। साहेबान ड्रामा खत्म, जिंदगी शुरू।
दीप शिखा। अभी आप प्रसिद्ध नाटककार रेवती शरण शर्मा के लिखे इस प्रयोगधर्मी नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे उषा ग्रोवर, रश्मि दर, दीपा पांडे, क्षमा कौल, मीना विलियम्स, मंजू मैनी, आनंद स्वरूप गुप्ता, बीके सूद, मनोहर सिंह, शांति स्वरूप कालरा, दीनानाथ जुत्सी और गुलशन कपूर। प्रस्तुति सहायक थे कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार और नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।